नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कोलकाता नोवापारा मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने युवती को जबरदस्ती उठाकर ट्रेन के आगे लगाई छलांग। दिल दहला देने वाला ये वीडियो सामने आया है। दोनों की हुई मौत। हादसे को लेकर मन विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। कल तक था मैं अपने घर का हीरा, आज सरकार ने बना दिया कूड़ा। यह मृतकों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 288 मृतक बताए जा रहे हैं, जिनमें कुछ तो ऐसे होंगे जिनकी पहचान हो गई होगी, शेष ऐसे होंगे जो लावारिस है। भले ही शव का पहचान शुदा नहीं है, लेकिन शव का विस्थापन तो सम्मानपूर्वक होना चाहिए। जो गाड़ी में शवों को कूड़े की तरह फेंक रहे हैं, क्या वे रेलवे के मुलजिम हैं या किसी NGO के कार्यकर्ता? कानपुर कमिस्ट्रेट के ग्वाल टोली में भरे बाजार में युवक की गोली मारकर हत्या। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों युवक तमंचा लहराते हुए भाग निकले। रंजिश के चलते दिया हत्याकांड को अंजाम। दो दिन पहले हुई थी मारपीट। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने अपने संस्कारों का परिचय देते हुए पत्रकार को थप्पड़ मारा। अब यह जांच का विषय है कि तथाकथित पत्रकार किस पार्टी का समर्थक है। हाँ जी, RWM को फीडिंग करे जी। दूसरी बात यह है, फीडर में रूल तुमको रिकॉर्ड कर रही हो। आर यू मोर स्मार्ट? मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या? आर यू मोर स्मार्ट? बोर फोर पीपल सर, बस्ती में तीमारदारों ने खोली सरकारी अस्पताल का पोल। अस्पताल में अव्यवस्था का वीडियो हुआ वायरल। हाईवे के किनारे बना अस्पताल बदहाली का शिकार। उचित व्यवस्था न होने पर किया जाता है रेफर। खुद से एम्बुलेंस कर अयोध्या जाते हैं तीमारदार। तीमारदारों का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। कार सवार ने टेम्पो को मारी थी जोरदार टक्कर। हादसे में व्यक्ति की हुई थी मौत, 6 लोग घायल। घायलों को विक्रम ज्योत CSC में कराया गया था भर्ती। विक्रम ज्योत CSC का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पुलिस प्रशासन खड़ी हो, क्या कर रही है? एम्बुलेंस मंगा दी, कुछ नहीं कर रहे। आपके पेशेंट को बोल रहे हैं कि हम लोग 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस मंगाए, सिखा रहे हैं हमको। हमको हमारी माता जी लखनऊ में सोशल मीडिया पर असलहे का प्रदर्शन लगातार है जारी। राइफल, पिस्तौल और तलवार के साथ फोटो वायरल। दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की फोटो। खदरा क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा युवक। मंदेयगंज थाना क्षेत्र के खदरा इलाके का है मामला। ग्रेटर नोएडा के जिम्स मेडिकल कॉलेज के छात्रों गार्डों के बीच झड़प। दोनों के बीच जमकर चली लाठी और पत्थर। हॉस्टल के बाहर दर्जनों बाइकों और कार में की तोड़फोड़। झड़प में 15 छात्र और कुछ गार्ड घायल। पुलिस ने 33 लोगों को लिया हिरासत में। सिगरेट पीने के विवाद के बाद हुई थी झड़प। GBU स्थित जिम्स के मुंशी प्रेमचंद हॉस्टल में हुई झड़प। जिले के इकोटेक 1 थाना क्षेत्र की घटना। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ओ भाई, कोरोना वैक्सीन पर बाबा रामदेव का सनसनीखेज बयान। जितने लोग कोरोना से नहीं मरे, उससे ज़्यादा वैक्सीन से मरे। कोरोना वैक्सीन एक बहुत बड़ा घोटाला। बाबा रामदेव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान से फैली सनसनी। आज तक आई साइट सही नहीं हो रही, आई ग्रेड से भी नहीं हो रही अब सही। ये वैक्सीनेशन ने तो करोड़ों लोग, ये वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है। जरूरी था या नहीं था, और उसके बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक से डेड, लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग। जितने कोरोना से नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से मरे, और ऐसे मरे टपा टप वरमाला पहनाई। और ये हुआ वरमाला पहनाते वही मर गए, जबकि सारे कोई बीमारी नहीं थी, ना हार्ट में ब्लॉकेज है ना और कुछ था। कोई स्विमिंग पूल से वापस नहीं लौटे, कोई दौड़ते दौड़ते मर गए, बच्चे क्रिकेट खेलते खेलते, खिलाड़ी
कोई पुलिस की कोई फौज की भर्ती में गया, वहीं दौड़ते दौड़ते वहीं मर गया। ये वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक हो रहा है, वैक्सीनेशन के बाद आंखें चली गई, वैक्सीनेशन के बाद लोगों के कान खराब हो गए, वैक्सीनेशन के बाद शुगर हो गई, वैक्सीनेशन के बाद पैरालिसिस हुआ है, वैक्सीनेशन के बाद सफेद दाग हुए हैं, वैक्सीनेशन के बाद लोगों को अर्थराइटिस हुआ है, और जिनके लिवर किडनी फेलियर और कैंसर था कैंसर रिकरेंस हुआ है, जिनका मैंने लिवर किडनी ठीक कर दिया था वैक्सीनेशन करा के फिर दोबारा खराब करा लिया है, ऐसे कितने उपद्रव हैं। तो तूने तो थोड़ा ही उपद्रव देखा है, कोई ठीक कर दे। स्वामी जी मैं अभी जब अपना रूटीन चेकअप कराने गई तो मुझे थायराइड बता दिया, मुझे सिम्टम तो कुछ होते ही नहीं है और बीमारी बता देता है डॉक्टर, फिर बोल दिया मैंने थायरोग्रिड खाई, 15 दिन में ही मेरा थायराइड सही हो गया। अब वो कोई ना कोई प्रारब्ध आ जाते पता नहीं, वो थायरोग्रिड खाई ठीक हो गई। तो स्वामी जी दोनों बच्चों को मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन हम पे प्रेस राइज था कि आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, वैक्सीन जरूर लगवाना पड़ा, इसलिए वो मैंडेटरी कर दिया था। ऐसा बहुत बहुत बड़ा उपद्रव हुआ है, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें विवाद होने की बहुत संभावना है। क्या करूं, बोले बाबा जी आप भी विवादों से डरते, और मैं डरता नहीं, मेरे पीछे साफ भूत। यूपी के अमरोहा में 7 साल का मासूम बच्चा अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, सड़क पार करते समय पिकअप ने टक्कर मार दी, बच्चे के ऊपर गाड़ी का पहिया चढ़ गया, मौके पर हुई मौत, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लखीमपुर में बाघिन का हमला करते वीडियो आया सामने, पार्क प्रशासन के वाहन पर हमला करती दिखी बाघिन, दुधवा टीम पर हमले में बाघिन को लगी चोट, टहलने के कुछ देर बाद बाघिन ने तोड़ा दम, बाघिन के शरीर पर चोट के निशान भी मिले, दुधवा बफर जोन में बाघिन की मौत से मचा हड़कंप। हम की भीख मांग रही महिला की डंडे से चमड़ी उधेड़ता जालिम पति, इटावा के बकेवर इलाके में शर्मनाक घटना का वीडियो वायरल। दिल्ली में साक्षी की हत्या पर सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुने। 30-35 बार चाकू मारने के बाद भी पेट नहीं भरा तो पत्थल से कुचल के, पत्थल, पहले पत्थलबाजी करते थे अब तो पत्थल से कुचल रहे हैं, सर को कुचल रहे हैं। और इस हत्या के बाद जैसे हमेशा होता आया, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो गई जस्टिस बार साक्षी, बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे फोटो शेयर कर दिया, साक्षी को न्याय दो, कैंडल मार्च हो गया, साक्षी के हत्यारों को फांसी दो, नेताओं के भी बयान आ गए, बहुत सारे अपने आप को जो हिंदू हितैषी कहते हैं वो भी अपने बयान दे रहे हैं। और हमेशा ऐसा होता है, पिछले 75 साल में ही हो रहा है, हत्या होती है, कैंडल मार्च होता है, बयान आता है, निंदा होती है, तू-तू मैं-मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, नूरा कुश्ती होगी, लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम नहीं होता। मैं ये पूछ रहा हूं, चीन में किसी साक्षी की हत्या क्यों नहीं होती? सिंगापुर में कोई साहिल मोहम्मद आके किसी साक्षी को क्यों नहीं मार देता? कोरिया में किसी मोहम्मद साहिल की इतनी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती कि वहां की किसी साक्षी को मार दे? ये भारत में ही मोहम्मद साहिल साक्षी को क्यों मारता है जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी शिक्षा व्यवस्था घटिया है। जब तक यह अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल खत्म नहीं होगा तब तक मोहम्मद साहिल साक्षी को मारता रहेगा। जब तक इस देश में यह मदरसा मिशनरी स्कूल बंद नहीं होंगे और समान शिक्षा लागू नहीं होगी तब तक मोहम्मद साहिल साक्षी को मारता रहेगा। जब तक इस देश में सारे पर्सनल लॉ खत्म नहीं होंगे, सबके लिए एक समान नागरिक संहिता नहीं बनेगी तब तक कोई न कोई एक मोहम्मद साहिल किसी एक साक्षी को मारता रहेगा। जब तक इस देश में कठोर कानून नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो और 1 साल के अंदर फांसी पे लटका दिया जाए दरिंदों को, जब तक ये कानून नहीं बनेगा, पुलिस चार्टर जुडिशियल चार्टर नहीं लागू होगा, तब तक रोज एक मोहम्मद साहिल किसी एक साक्षी को मारता रहेगा।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं, तू तू मैं करने, निंदा करने, आरोप प्रत्यारोप करने, कैंडल मार्च करने, ट्विटर ट्रेंडिंग करने, फेसबुक पे लिखने, फांसी की मांग करने से फांसी नहीं होगी। फांसी देने के लिए तो कानून बनाना पड़ेगा, पुलिस नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। अब उससे पुलिस पूछताछ कर रही, चलती रहेगी पूछताछ, गवाहों के बयान होते रहेंगे, इधर जिरह होगी उधर जिरह होगी, यही चलेगा। फांसी नहीं होगी। आज तक फांसी हुई किसको? कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी हो गई क्या? बादल के हत्यारों को फांसी हो गई क्या? डॉक्टर नारंग के हत्यारों को फांसी हो गई? हिना तलरेजा के हत्यारों को फांसी हो गई? अंकित सक्सेना के हत्यारों को फांसी हो गई? कितने हत्यारों को फांसी हुई? इसके बावजूद फांसी फांसी मांग करते रहते। अरे भैया, फांसी की मांग करने से फांसी होनी होती तो अब तक 1000-2000 को फांसी हो गई होती, किसी को नहीं हुई। और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब भारत में कहीं ना कहीं एक जगह किसी न किसी साक्षी को या तो लफ्जहाद में नहीं फंसा लिया जाता, और नहीं अगर फंसती है तो मार नहीं दिया जाता। देखते देखते अफगानिस्तान में खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म हो गए, हिंदुस्तान के 9 राज्यों में खत्म हो गए, भारत के 200 जिलों से पलायन हो रहा है। इसके बावजूद भी अभी जो काम होना चाहिए उसकी मांग करते ही नहीं। टीवी में डिबेट होती है लेकिन जिहाद का समाधान क्या, उस पर चर्चा ही नहीं होती। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा जिहाद को रोकना है तो। ये जो विशेष कानून, विशेष दर्जा, विशेष योजना, विशेष विशेष जो स्पेशल स्टेटस है, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा, माइनॉरिटी मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा। मदरसा मिशनरी स्कूल बंद करना पड़ेगा, गुरुकुल शिक्षा लागू करनी पड़ेगी, वैदिक शिक्षा लागू करनी पड़ेगी, जिससे क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, इस चीज का भाव बच्चे में बचपन में डालना पड़ेगा। ये पर्सनल लॉ खत्म करके समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, तब जाके सबके बीच में प्रेम बढ़ेगा, तब जाके साक्षी बचेगी। ऐसे नहीं बचेगी बतौलेबाजी करने से, भाषणबाजी करने से। घुसपैठियों के खिलाफ फांसी देने का कानून बनाना पड़ेगा, जिहादियों को फांसी देने का कानून बनाना पड़ेगा। और न्यायिक व्यवस्था ठीक हो, न्यायिक व्यवस्था एक साल के अंदर सजा होना शुरू हो जाए, इसके लिए जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को घर घर पहुंचाइए, अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत हो गया तू तू मैं, बहुत बहुत हो गया नूरा कुश्ती, बहुत हो गया आरोप प्रत्यारोप, इससे कुछ नहीं होने वाला। न जिहाद रुकेगा, न मजहबी उन्माद रुकेगा, न साक्षी बचेगी। देश को बचाना है, सनातन संस्कृति को बचाना है तो कानून बनाना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अपने सांसदों को टैग करके ट्वीट करिए, अपने क्षेत्र के विधायकों तक पहुंचाइए, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाइए। लोगों को पता चलना चाहिए कि समाधान कानून बदलना ही है, कानून बदलने से समाधान होगा, अच्छी अच्छी बातें करने से नहीं। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।